स्ट पे है एंड शीज बीन प्रिंसिपलगा स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट पर ये हिंदी में होने वाला है खास कर आपके ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच प्रीतिका थैंक यू सो मच आपका तही दिल से आभार और शुक्रिया दो चीजों के लिए पहला तो ये मैं आपको बहुत टाइम से देख रही थी आपके अलग अलग आपके चैनल पे देख रही थी आपकी शॉर्ट्स देख रही थी आप कैसे सबके साथ पॉडकास्ट करते हैं वो देख रही थी और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा था दूसरा थैंक यू इसलिए कि ये मेरे चैनल पे पहला पॉडकास्ट है मैंने आपके चैनल पर आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो यू नो दे ऑफ इंस्पिरेशन आप इतनी सारी you know, प्रेरणा भरी बातें करती है सबको प्रेरित करते हैं यू गिव देम मोटिवेशन यू नो आज की तारीख में I'm sure, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ डील किया है स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं काफी डिप्रेशन ये डिप्रेशन जो है ये वर्ड ये बहुत ज्यादा प्रमाण पे आज सच्चाई और हकीकत बन चुकी है जैसे ज्योतिष शास्त्र में हमें पता चलता है कि डिप्रेशन ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू प्लैनेट्स स्पेशली जो इमोशंस है ये चंद्रमा और चंद्र चंद्र से निर्माण होते हैं चंद्रमा हमें कैसे अफेक्ट करता है और फुल मून और न्यू मून ये दोनों अंतर क्या है एक्चुअली जब हम अपना बर्थ स्टार्ट देखते हैं तो हम कुंडली जिसको देखते हैं जनरली सब लोग आज की जनरेशन सन साइंस पे बिलीव करती हैं नो डाउट लिंडा गुडमैन ने अपना बहुत अच्छा काम किया है एज पर सन साइंस लेकिन जो अंदर है ना हम वो मून साइन है जब हम अंदर मून साइन हैं और हम अंदर जो हैं वो ही बाहर हैं बाहर की ओवरऑल पर्सनालिटी होगी हमारा रुतबा होगा हमारे गो गेटर कुछ भी होंगे अगर आपकी मून साइन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेंटली इमोशनली उस डाउन डिप में हर बार जाओगे और एक बार नहीं हर न्यू मून पे जाओगे हर फुल मून पे जाओगे हर राइजिंग पे जाओगे हर सेटिंग पे जाओगे यानी उस 28 दिन में चार बार तो डिप आना ही आना है अब दो तरीके हैं या तो आप उसकी वजह से और परेशान होते जाओ और उन चीजों को समझो या फिर जैसे मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी मैं सबको कहती हूँ या तो हम एक पिल ले लें मतलब गोली खाली सिर दर्द ठीक हो गया फाइन मतलब हमने एक, एक क्रिस्टल पहन लिया और उसके बाद सोचा बस अब सब कुछ ठीक है दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट पर जब तक हम उसे अंदर से हील नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ होगा तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम खुद ही मोर देन सेवेंटी परसेंट वाटर हैं टाइड्स बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े समुद्र में चंद्रमा ले आते हैं तो फिर हमारी इमोशंस का तो सवाल ही क्या और मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ द टाइम या तो मून ऐसी जगह प्लेस्ड होते हैं कि जहां तंग करते हैं या फिर अगर मून ऐसी जगह प्लेस नहीं होंगे तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होंगे जो हमें तंग करेंगे फर्स्ट हाउस में अगर मून प्लेस्ड है तो हमें पता है पर्सन बहुत इरिटेबल होगा मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल वाली पर्सनैलिटी होगी मतलब छोटी सी बात पे रोना आ जाएगा अब सेकंड हाउस वेल्थ का है वहां अगर चंद्रमा बैठा है तो यानी आपके पास अगर पैसे हैं तो आप हैप्पी हो पैसे थोड़े से कम हुए तो आप इतने रेस्टलेस हो जाओगे कि लगेगा ओहो पता नहीं क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया मैंने बहुत सारी ऐसी भी केस हिस्ट्रीज देखी है या पत्रियां देखी है जिनके पास अरबों करोड़ों सब है बट क्योंकि वो फेज ऐसा वाला आ गया जिसमें एक बार डिप आया तो उन्हें लगा सब खत्म हो गया इट इज बिकॉज द मून दून प्लेस तो इसी तरह जो यंगस्टर्स हैं जो आपने बात की ना कि डिप्रेशन की एक तो ये वर्ड डिप्रेशन को हमने बहुत तरोड़ मरोड़ दिया छोटी छोटी भी जब प्रॉब्लम होती है ना मतलब तो छोटा सा बेसिक इशू चंद्रमा ऊपर नीचे जाएगा जब भी जाएगा और वो सेम तो नहीं रहना है तो जब भी होगा हमें इशू होगा ही होगा मेंटली दारू वाला दिस इज एटीज की बात है मैंने 89, 90 में उनको एक मेल डाल के अपना होरोस्कोप भेज के तब देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये यंत्र लगा लीजिए यंत्र का असर हुआ राइट बट नॉट टू दैट एक्सटेंट फिर आंसर ढूंढने शुरू किए तो जब मुझे समझ में ये आने लगा ये चीजें मेरी लाइफ में इंपैक्ट करी और इन्होंने मुझे हेल्प करी न्यू मून रिचुअल्स फुल मून रिचुअल्स मून को अंडरस्टैंड करना मून मेडिटेशन मून वाटर छोटी छोटी चीज़ें ड्यूरिंग स्पेशली फुल मून एंड न्यू मून टाइम जब उनको ऐड करके अपनी लाइफ में मैंने एज रिचुअल्स शुरू किए उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई सो दिस इज वेयर आई स्टार्टेड ऑफ पुटिंग दोज वीडियोज जहाँ से मुझे लगता है अच्छा अब मैं ये कर रही हूँ तो मैंने बहुत सी वर्कशॉप्स करनी शुरू की और मैंने उन ग्रुप्स में उनके साथ एक्टिविटी शुरू करवाई कि अब हम इंटेंट सेट करेंगे अब हम उसको इंटेंशन सेट करने के बाद हम अंदर से उसके साथ कैसे काम करेंगे बाहर से कैसे काम करेंगे फिर जाने के बाद मुझे लगने लगा कि अब नाउ दिस इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ़ सेंस टू सो पीपल, दे फील सो हैप्पी कि हम ऐसे सोए हमें इतनी अच्छी नींद आई हमें आराम मिला तो इसलिए इन सब चीजों का एस्ट्रोलॉजी का और मून का एंड स्पेशली न्यू मून एंड फुल मून रिचुअल्स का बहुत 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 मेजर इम्पैक्ट पड़ता है और हमेशा इसका फर्क पड़ता है एंड वेन आई रीड द कॉमेंट्स बिलीव मी प्रीतिका शायद मुझे ऐसे लगता है भगवान जी थैंक यू कि मेरी इस तरह से उनकी लाइफ चेंज हो रही है वरना उपाय बताना तो बहुत आसान है मूनस्टोन पहनने को बोल दूंगी बड़ा आराम है मूनस्टोन पहन लेंगे नो डाउट फर्क पड़ेगा बट क्या वो टेम्प्ररी आंसर है या हमें परमानेंट चाहिए तो टेम्प्ररी चाहिए तो ये है ही है परमानेंट चाहिए तो थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो परमानेंट आंसर भी मिलेंगे अलोंग विद हमें कोई मंत्र भी करना चाहिए मंत्र तो मैं बहुत सारे बता सकती हूँ बट अगेन मैं मंत्र के लिए हमेशा बोलूंगी पहले चार्ट देखना है, कौन से हाउस में कौन सा है उसको देखते हुए न्यू मून पे हम नई चीजें सेट करते हैं विद रिजल्ट हमें पता है हमारा रोड मैप क्या है हमें कहाँ जाना है यहाँ पहुंचना है इस ये डेस्टिनेशन है इस रास्ते के थ्रू जाना है दिस इज हाउ फिर हम आ जाते हैं फुल मून पे अब फुल मून मतलब वहां से अब जब नीचे मून आ रहा है तो क्या है बड़ा मून है छोटा हो रहा है और एनर्जी फुल मून के टाइम बहुत ज्यादा हैवी होती है और हमें चीजें शेड करनी है तो तब मैं उन्हें सबसे पहले कहती हूँ अगर आप मेंटली परेशान हो अपनी स्पेस को देखो आपके आसपास क्या है जहां आप सोते हो सात से आठ घंटे आपके बिस्तर के दोनों तरफ क्या रखा हुआ है किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं मेडिसिन हैं कोई नेगेटिव चीजें ऐसी हैं जो आपको अननेसेसरली पिन की तरह चुभ रही हैं या आपका क्लटर है क्या वहां कुछ ऐसे किताबें पेपर्स बिल्स या ऐसी चीजें स्पेशली पेपर्स का जितना भी है वो दैट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी एक आध किताब पढ़िए तो बहुत अच्छा है बाकी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना ची मतलब एनर्जी मूव करेगी उतना ही आप अच्छा रहेगा तो एवरी फुल मून आपने सबसे पहले डी क्लटर करना है डी क्लटर करवाती हूँ फिर उसके बाद मैं कहती हूँ अब सेलिब्रेट करेंगे जो हमने अचीव किया न्यू मून से फुल मून के टाइम में जो कुछ किया वो कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं क्या? चलो, 1 किया चलो वन परसेंट किया टू परसेंट किया उसके लिए अपने आप हाई फाइव करो क्योंकि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा लैक मेंटेलिटी दिखाओगे तो वो एनर्जी वही अट्रैक्ट करेगा और वो आपका माइंड बिल्कुल चेंज कर देगा तो ये माइंड का पूरा गेम होता है तभी आप अपनी फुल मून एंड न्यू मून एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हो और उसके बाद मून वॉक के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ फुल मून में जाओ कान में गाने लगाओ बहुत अच्छे से और थोड़ा वॉक करके आओ और एक 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 एक्टिविटी जब जब हम करते हैं उससे हमें समझ में आता है कि कितना रिलीफ मिला मतलब कितने सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि दे आई आई सी द चेंज इन देम एंड देन दे से आज के जमाने में ना एस्ट्रोलोजिस्ट तो बहुत हैं लेकिन कोई ऐसे समझा के हील नहीं कराता और उसके लिए इतना सारा रिलीफ नहीं मिलता वाओ सो अ आपने डलटरिंग के बारे में बात किया एंड uh, मैं इसके बारे में और थोड़ा सा बात करना चाहूँगी क्योंकि यू नो काफ़ी सारे लोग अपनी दुनिया में अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए रहते हैं कि वो डीक पे ध्यान नहीं देते एंड उनका घर उनके उनके कमरे यू नो लाइक बहुत सारी चीज़ों से भरे होते हैं एंड आई रियली बिलीव इन वास्तु वास्तु बहुत 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 जरूरी है और आप क्या आप वास्तु भी करती हैं मैं बहुत बेसिक वास्तु देखती हूँ समझती हूँ दिशाओं का ओके okay, ओके okay. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाती बट बेसिक चीजें कि मुझे पता है ईस्ट को मुझे क्लीन रखना है मुझे पता है वहां से हमारा सनराइज हो रहा है तो हमारी लाइफ में जो राइज अगर आप सनराइज ही नहीं देख पा रहे हो और उस जगह को इतना ब्लॉकेज में रख दिया या बहुत सारा बिजली का सामान उस जगह रख दिया तो तो सूरज उगता हुआ तो क्या देखेगा इमिडिएटली दो एनर्जीज आपस में बिल्कुल नेगेटिव आ जाएंगी। डीक्लटर इतना जरूरी है मैं हमेशा ये हर फुल मून पे कहती हूँ सेलिब्रेट करके आओ एक दिन पहले अच्छे से तसल्ली से उसके बाद सात चीजें ग्यारह चीजें गिनती करके आपको निकालनी निकालनी है आप निकालोगे और निकाल के किसी को हाथ के हाथ दोगे आप चाहे वो एक्स्ट्रा किताबें हो चाहे वो एक्स्ट्रा कागज हो स्पेशली पेपर पेपर इज अ वेरी न्यूज पेपर की एनर्जी तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है और स्पेशली आज के जमाने में जब न्यूज पेपर में एक भी अच्छी खबर नहीं होती वे पिछले दो साल से न्यूज पेपर नहीं पढ़ रही हूँ मैं देखती भी नहीं हूँ टीवी चैनल भी नहीं देखती हु मैं टीवी पे कोई खबर नहीं देखती मतलब मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है बिल्कुल मेरे तरह <laughs> क्योंकि वो दिखाने वाली चीजें ऐसी हैं ही नहीं कोई ढंग की हो <laughs> बिल्कुल तो इससे बेटर यही है कि आप अपना माइंडसेट खराब करो बिकॉज योर माइंडसेट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज सो डी सबसे पहले पेपर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी थ्रोन आउट नहीं रद्दी उठा के रखनी है इतनी सारी दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्टेशनरी शुड नॉट बी नेक्स्ट टू योर बेड साइड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे बेड के साइड में एक तो डायरी है जिसमें जर्नल है मेरा नाइट टाइम जर्नल वो मेरे वहां रखा हुआ है और एक पेन उसके साथ में रखा हुआ है और डी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां आप सो रहे हो बिकॉज जब आप सोते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेक रहता है सिर्फ कॉन्शियस माइंड आपका सो रहा है अदरवाइज नहीं नहीं तो इट इज कैचिंग एनर्जीज और अगर होगी एनर्जी घूम नहीं पाएगी तो आपको बहुत घबराहट होगी आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स uh, जो है मोस्टली दे आर डिप्रेस्ड बिकॉज ईदर यू नो ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड दे आर लाइक अ ब्रोकन हार्ट यू नो दिल टूट गया है किसी ने उनको बहुत सारी उम्मीद देकर उनका दिल तोड़ दिया है या तो आ, वो अपने करियर को लेकर बहुत ही यू नो डिप्रेस रहते हैं कि नहीं हमें वो मकाम नहीं मिल रहा है जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं यू नो ये दो बातें होती हैं अक्सर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सिंस आप इतनी खूबसूरती से यू नो सबको मोटिवेट करते हैं व्हाट वुड यू से टू पीपल यंगस्टर्स जो इस वक्त शायद ये वीडियो देख रहे हैं और उनका दिल टूटा हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे तो वीनस के आसपास सन होगा सन के साथ होगा या जुपिटर आपका ऐसे किसी हाउस में होगा जहां पे तंग होना ही आपने उन चीजों में बार बार पढ़ते हैं वो साइकिल रिपीट होते हैं वो अगर रिलेशनशिप का साइकिल है आपकी लाइफ में तो वो रिपीट होगा एक बार दो बार पर्सन कैन चेंज सिचुएशन कैन चेंज बट द आंसर द लेसन वुड बी द सेम सबसे पहले सबसे बड़ी कमी हम सबके अंदर सेल्फ लव की है और सेल्फ लव का मतलब जानते हैं सब क्या समझते हैं मूवी देख ली सेल्फ लव हो गया अच्छा सा कुछ खरीद लिया सेल्फ लव हो गया बहुत साल तक मुझे लगता था जब मैं डिप्रेस होती थी फटाफट गई शॉपिंग करके आ गई मैं हैप्पी हो गई वो टेम्प्रेरी सोल्यूशन था परमानेंट सोल्यूशन नहीं था क्योंकि मैं फिर भी किस पे डिपेंडेंट थी किसी चीज पे आउटसाइड आउटसाइड मी मेरे बाहर क्या है या तो कोई मटीरियलिस्टिक चीज होगी या कोई पर्सन होगा या कोई चीज ऐसी जो मुझे हैप्पी करेगी जब तक मैं किसी पर्सन पे डिपेंडेंट रहूंगी या मैं किसी चीज पे डिपेंडेंट रहूंगी या किसी खरीदारी पे डिपेंडेंट रहूंगी और तब खुश होंगी तो मैं जिंदगी भर उदास रहूंगी दुखी रहूंगी परेशान रहूंगी क्योंकि वो सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिस पे यंगस्टर्स क्या बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते इस बात को उसने मुझे कहा कुछ अच्छा है तो मैं सही हूं उसने मुझे नहीं कहा अच्छा है तो मैं सही नहीं हूं ये हम ना एज हमारी मदर्स को देखते हुए पैदा हुए हैं हमने अपनी ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड मदर्स को देखा है तो दे हैव ऑलवेज बीन गिवर्स सेल्फ लव उनके अंदर भी नहीं था hmm. उनका सेल्फ लव है बच्चों के लिए कुछ कर दो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कुछ कर दो किसी और के लिए करोगे तो वो सेल्फ लव है हम जब प्लेन में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं जब ऑक्सीजन का दबाव कम हो तो मास्क गिरे पहले खुद लगाइए फिर अपने बच्चे पे लगाइए या साथ वाले पे लगाइए तो वो कोई मूर्ख थोड़ी है जब आप खुद ही हैप्पी नहीं होगे तब तक आप कैसे किसी और को हैप्पी करोगे फिर तो मजबूरी हो जाएगी अब वो चाहे रिश्ता हो चाहे करियर हो चाहे ग्रोथ हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ लव सेल्फ लव का मतलब आप वाकई में अपनी हर एक कहते हैं ना हर एक पार्ट ऑफ योर बॉडी हर एक चीज अपना खुद का जो है उससे प्यार करते हैं प्यार है अपनी हर चीज की तारीफ बोल के करो मन से करो अपनी ग्रैटिट्यूड रोज लिखो कि थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी हर किसी को ना अपना नाम बहुत पसंद होता है सुनना हर किसी को अपनी आवाज़ बहुत पसंद होती है सुननी पर हम ये सोचते हैं कोई और हमें बुलाए तो हम खुश हैं हम खुद से क्यों नहीं हो सकते तो रिलेशनशिप इश्यूज में सबसे बड़ा अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इज दैट सेल्फ लव इज मैजिकली मैजिकली लैकिंग छोटे छोटे बड़े सारे तरीके हो सकते हैं करने के लिए पानी का ग्लास लिया हाथ में लिया वाटर देखा वाटर हैज अमेजिंग मेमरी फिर मोन पे आ गए अब दोबारा से तो वाटर हैज सच अमेजिंग मेमरी आप पानी का ग्लास हाथ में लो जो मैं रोज करती हूँ और उसके बाद मैं पानी को देखती हूँ देख के मैं बोलती हूँ आई लव यू यू आर अमेजिंग और उसके बाद सिप सिप करके मैं पानी पीती हूँ उसको एंजॉय करती हूँ दिस इज माई वन ऑफ द एक्टिविटीज विच आई डू इन द मॉर्निंग नाउ दिस वाटर इज कंटेनिंग द मेमरी ऑफ वॉट आई हैव सेड और ये पानी जो मेरे साथ जा रहा है अंदर वो मेरे सेल्स को रिचार्ज कर रहा है वापिस से हैप्पी कर रहा है इससे ज्यादा अच्छा सेल्फ लव क्या हो सकता है ये तो एक छोटा सा तरीका है पचास से साठ तरीके होते हैं जिससे हम अलग अलग तरीकों से अपना सेल्फ लव अपने लिए कर सकते हैं जब आप देखो जिस दिन एक सिंपल एग्जाम्पल है जिस दिन आपने अच्छे कपड़े पहने जिस दिन आप मतलब बड़े खूबसूरत से लग रहे हो नया ड्रेस पहना उस दिन आपको क्या लगता है आज तो मैं बहुत ही कमाल की दिख रही हो शीशे में देखा और लगता है वाह उसके बाद क्या होता है आप सबको अच्छा बोलते जाओगे सबकी तारीफ करते जाओगे सबके लिए कुछ कुछ अच्छा बोलोगे यार कमाल दिस इज वेरी गुड दैट इज वेरी गुड जिस दिन आप इरिटेबल मूड में होगे आप कितने ही अच्छा क्यों ना पहन लो या कितने ही अच्छे क्यों ना लग रहे कितने अच्छे से अच्छा खाना क्यों ना हो आप उसमें हमेशा गलतियां निकालोगे

दे हैव नो सेल्फ लव बिकॉज दे और इतना खराब मानते हैं उनको लगता है कि नहीं वी आर नॉट गुड लुकिंग खराब है हमें ये आ, कमी है वो आ, खामिया है यू you नो know, जो भी है इसके वजह से मैंने देखा है कि वो गलत लोगों के ट्रैप में फंसते हैं गलत लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं खास करके रिश्तों में कोई भी सामने से आकर अगर उन्हें बोले कि आ, आप अच्छे हो या दो अच्छी मीठी बातें कर ली भले उनका इंटेंशन खराब हो सामने वाला सोचता है कि अरे वाह इसने अच्छी बातें कर ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज वैसे ही मुझे आप पे सेल्फ डाउट है एंड आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ यू नो तो दिस बिकम्स लाइक अ मीडियम टू ट्रस्ट रॉन्ग पीपल एंड टू टेक रॉन्ग डिसीशन इन लाइफ सो दैट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट यू नो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमें um, खुद को प्यार करना खुद को इम्पोर्टेंस देना एंड कितनी भी हमें कमी हो उसे एक्सेप्ट करना और कहना कि नहीं दिस इज मी एंड आई लव माई सेल्फ भगवान हर किसी को मास्टर बनाता है किसी में कोई कमी नहीं होती भगवान की बनाई हुई किसी चीज में कोई कमी नहीं है कमी कौन दिखाता है आपका इमीजिएट इमेंट इट स्टार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स सॉरी बट यस इट डज कैसे तुम्हारा भाई ऐसा है तुम्हारी बहन ऐसी है उसने ऐसा किया वो तुम्हारे उस, उससे सीखो उससे क्यों नहीं सीखते हो ये तुम्हारा कसूर है तुम्हारी गलती है मैं जब बहुत छोटी थी ना तो मेरे फादर मुझे यहां से पकड़ के और ऐसे मतलब काना से पकड़ के ऊंचा कर देते थे बिकॉज ही यूज्ड टू से गर्दन छोटी है और मेरे दिमाग में वो घुस गया ना वो सेल्फ डाउट गर्दन छोटी है तो मैंने कभी भी गर्दन से जैसे चोकर वोकर वाला कुछ भी नहीं पहना क्योंकि गर्दन छोटी है वो इतना अंदर तक चला जाता है इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन इट इज योर एवरीथिंग विच इज अराउंड यू आपके फ्रेंड्स आपके टीचर्स आपके नियर एंड डियर वन आपके रिलेटिव आपके साथ जो भी है स्पेशली तीन साल से सात साल इज जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज वो टाइम है जब हम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को और उसके बाद हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी होती चली जाती है फिर हम जिंदगी पूरी निकाल देते हैं उन चीजों को इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करने में कि अब इसको बाहर निकालो हम तब तक अच्छे से नहीं हो सकते जब तक हम अंदर से हील नहीं हो और हीलिंग करने के लिए आपको सेल्फ ट्रस्ट करना ही होगा कि आप ही सबसे अच्छे हो दुनिया जाए भाड़ में जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है छोटा बच्चा कितना खुश होता है उसको कभी देखा है सेल्फ डाउट कभी भी नहीं होता वो तो स्कूल जाने के बाद डाउट सिखा देते हैं टीचर सिखा देंगे बच्चे सिखा देंगे ये ठीक नहीं बेटा वो ठीक नहीं उन दोनों में कंपैरिजन उन चार में कंपैरिजन या तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं आई या तुमने अच्छा एक्सप्रेस नहीं किया और वो जब मार्क्स देते हैं ना डिक्टेशन में टेन आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन फाइव आउट ऑफ बहुत गलत है नहीं होना ही नहीं चाहिए मार्किंग तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आप शुरू से डाल के रहे हो यू आर नॉट गुड इनफ एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज आज की मार्केटिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट यू आर नॉट गुड इनफ कॉस्मेटिक्स यू आर नॉट गुड इनफ कपड़े यू आर नॉट गुड इनफ साइज जीरो यू आर नॉट गुड इनफ हु हैज प्रोक्लेम वॉट इज गुड इनफ गुड इनफ इज वॉट यू फील इज गुड इनफ फॉर यू नॉट वॉट अदर्स से तो ये जो बाहर की चैटर बॉक्स होती है ना और जो कोई आपको ऐसे बोले अच्छे नहीं हो उसी टाइम उस रिश्ते पे क्रॉस मार दिया करो दिस पर्सन इज नॉट गुड इनफ फॉर मी वाई क्योंकि ये मुझे बिना बात का डाउट दे रहा है या दे रही है जो पर्सन आपको ये आके बोले कि तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं उसको बोलो ओके थैंक यू उसके साथ अब मजबूरी में रिश्ता भी हो ना तो मिनिमल इंटरेक्शन रखो आपके अंदर एक आवाज आती है जो आपको बताती है यू आर गुड इनफ लिसन टू दैट स्टॉप लिसनिंग टू द आउटसाइड चैटर जब परेशान हो अपने पांचों तत्व को बैलेंस करो कोई सी भी परेशानी हो रिलेशनशिप की परेशानी है हेल्थ की परेशानी है Wealth की परेशानी है सबसे पहले पांचों तत्व बैलेंस करो आधी परेशानी ठीक हो जाएगी मिट्टी में चलो हर रोज बीस मिनट सुबह की सूरज की रोशनी लो दस बीस मिनट वो इतने सारे वो कौन सी क्रीम व्रीम सन क्रीम ये लगा वो लगा मैंने कभी नहीं लगाई आई की तो उल्टे और ज्यादा खराब हो गया वाई सनलाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ठीक है दोपहर को नहीं जाना बट सुबह की तो रोशनी चाहिए आपको सूरज की रोशनी में सब कुछ होता है तो वो लो आकाश को तुम देखते ही नहीं मोबाइल तक ऐसे सिमट के रह जाते हैं बस जो देखा यही देखा बाहर जाके खुला आकाश तो देखो बादलों की फॉर्म तो देखो कैसे कैसे हैं तो वास्टनेस आएगी आपकी लाइफ में यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ वास्ट द यूनिवर्स इज इट द यूनिवर्स इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू दिस उसको देखो पानी बहुत सा पियो आप खुद पानी हो आपका ब्रेन पानी से भरा हुआ है तो अगर पानी नहीं पी रहे हो तो ब्रेन तो काम करेगा ही नहीं ना वैसे करना बंद तो जिसने जो कहा, आपने सुन लिया, इतनी जलाया कितनी सुंदर लॉ लगती है उसके बाद आप वापस नॉर्मेलसी में आ जाना आपने अपने पूरे दिन के पांचों तत्व क्लियर कर लिए ये अगर हो गए तो नाइनटी परसेंट प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बाकी दस परसेंट जो कहते हैं ना बर्थ चार्ट में है उनको समझना है और वो समझ गए तो उनसे अफेक्ट होना बंद हो जाओगे आप इट्स एंड इट इज एज सिंपल एज दिस वेरी ट्रू दो बातें जो आपने कही मुझे uh, you know, मुझे कुछ कहना है उनके बारे में पहले तो जब आपको यू नो जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी कहते थे कि गर्दन छोटी है ये सारी चीजें दूसरे लोगों को दिखती तक नहीं है जब तक आप खुद से उन्हें ना बताएं इट इज़ इन आवर माइंड एंड पीपल डोन्ट रियलाइज दिस सो हम ये सोच कर रह जाते हैं कि अरे हम में ये कमी है हम में वो कमी है लेकिन बाहर की दुनिया को ये सारी चीजें नजर ही नहीं आती जब तक कि आप उन्हें ना बताएं उसके बारे में और बताना भी नहीं चाहिए मुझे ऐसे लगता है क्योंकि क्यों बताकर यू you नो know, किसी के मन में कुछ डालना है जो जिसके बारे में वो सोच भी नहीं रहे हैं एंड दूसरी बात जो आपने कही कि रिलेशनशिप्स के बारे में आपने कहा कि यू नो समी हु मेकिंग यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ आपके बारे में वो कुछ गलत बता रहे हैं आपको कि आप यू नॉट गुड इन यू नो ऐसे लोगों से मैं मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप दोस्त बना रहे हो या इवन रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ऐसे दोस्तों के साथ रहना जो एक पूरे मीटिंग या एक पूरे फोन कॉल के एंड में आपको उनके साथ बात करके अच्छा लगना चाहिए exactly. अगर आपको कहीं भी लग रहा है या द मिनट यू हैंग अप अगर आपको सेल्फ डाउट यू नो मैं कैसे दूसरे पर्सन को और खुश कर सकती हूँ ये सारे अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं दैट पर्सन इज वेरी वेरी बैड और नार्सिसिस्टिक पर्सन एंड आप उस चक्रव्यू में घूमते रह जाओगे तो दिस इज साइन एंड जैसे आपने कहा लर्न द लेसन आज ही मेरी बात हो रही थी एक एस्ट्रोल से जो मुझे कह रहे थे कि अगर आप गलत करने वाले लोगों से भी रिश्ता निभाते हो यू नो सपोज आपको पता है कि कोई आप uh, कोई बहुत अम्म um, किसी को चीट कर रहा है या समबडी not a गुड पर्सन लेकिन फिर भी आप किसी वजह से उस आदमी से कनेक्टेड रहते हो या उस इंसान से कनेक्टेड रहते हो उसका भी हमें बुरा कर्म लगता है दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट यू जस्ट सेड राइट नाउ कोई ऐसे मून रिचुअल्स है या व्हाट इज द डिफरेंस लाइक फुल मून इज पूर्णिमा राइट ये पूर्णिमा का चांद है और न्यू मून में फर्क क्या है जैसे न्यू इज अगिनिंग सो जब भी हम कुछ नया अपनी लाइफ में लाते हैं तो हमेशा देखना जब भी न्यू मून होगा तो समझना एक नया प्लॉट मिला है और मुझे उसमें खेती करनी है क्या खेती करनी है मुझे किस एरिया अपनी लाइफ पे काम करना है हर फुल मून पे अपनी एक इच्छा पे काम करना स्टार्ट करो कि ये मैंने बीज बोया है अब की बार मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं सेल्फ लव अपना रेगुलरली अपने आप से अपने आप को दूंगी मैं अपने लिए जीने की कोशिश करूंगी ज्यादा बनिस्पत इसके कि सबके लिए तो खुद के लिए अपनी वांट्स एंड नीड्स को पूरा करूंगी मेरा इच्छा ये है कि मैं नेक्स्ट ईयर तक मेरा, मेरे पास होना चाहिए अब उस के लिए आपने पहले तो वो सीड सो किया कि आई यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू वॉन्ट दैट आई यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट कई बार हम कह देते हैं लेकिन हम जब वो चीज सामने आ जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं ना कर पाते तो दूसरी चीज ये कि क्या आप रेडी हुए एक्सेप्ट करने के लिए फिर हमने अपनी इंटेंट जब दी तो कुछ प्रैक्टिस हैं करने वाली जो न्यू मून पे प्रैक्टिस होती है रिचुअल्स होते हैं सबसे पहले हम क्लैंस करेंगे अपने आप को विच आई ऑलवेज से यूज अ सेज यूज मॉग एनीथिंग जिससे हम खुद की भी क्लीनिंग कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट की भी कर रहे हैं अपने स्पेस की भी करें जहां हम बैठते हैं वहां भी करें उसके बाद वी सेट एन इंटेंशन एंड वी राइट व्हाट इज इट दैट वी वांट अगर आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए तो एक ना फिकिश कहानी मैं कहती हूँ लिख दो न्यूमोन है ना बैठो और एक अच्छी सी पिक्चर की कहानी लिखो वो कहानी लिखो जहाँ आप अपने सपनों की दुनिया में पहुंच रहे हो और आपको क्या चाहिए तो अगर सपनों की दुनिया में पहुंचने के लिए अच्छा जैसे मैंने लास्ट ईयर जब इलेवन इलेवन पोर्टा था लास्ट ईयर ही तो स्टार्ट हुआ ये सब कुछ उससे पहले तो मैं बहुत अच्छे से जॉब में ही थी सब तरह से तो मैंने क्या लिखा मैंने, मैंने तीन चीजें लिखी जब मैंने अभी उसको इस फुल मून पे मैंने उस डायरी में उसको थैंक यू किया तो मैंने ये लिखा ग्यारह ग्यारह के बाद से मैंने ये पहला चीज ये लिखी थी कि मैं लाखों लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ ताकि उन मिलियंस ऑफ पीपल वो उनकी लाइफ में मैं कुछ इम्पैक्ट ऐसा कर पाऊं कि उनको हैप्पीनेस दे पाऊं ये मेरा पहला स्टेटमेंट था तो मेरी हेल्प करना यूनिवर्स मैं आपसे यही हेल्प चाहती हूं कि मुझे दिशा ठीक दिखाना दूसरी चीज मैंने कहा जो आपने मुझे इतने सालों में इतना सारा ज्ञान दिया है उस ज्ञान से अगर किसी का कुछ फायदा हो जाए और वो फायदे से वो अपनी लाइफ में इंप्रूव हो जाए बैलेंस हो जाए और उसके मन में नेगेटिव विचार नहीं आए ये सब चीजें नहीं हो तो उसके लिए प्लीज भगवान मेरी हेल्प करना थर्ड मेरी फाइनेंशियल अबेंडेंस के लिए जैसे अब मैं जॉब में हूं और जॉब छोड़ूंगी तो मेरे एक सेट अमाउंट ऑफ सैलरी जो आती थी आप मुझे उससे थोड़ा ज्यादा करके देना ताकि मुझे मन को सुकून मिले कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूं और मैंने एक फिगर भी डाल दी उसके अंदर ये मैंने तीन सेट किए अब जब मैं देखती हूँ तो 11 महीने में तीनों के तीनों फुलफिल हो गए क्योंकि वो न्यू मून पे सेट हुए थे इलेवन इलेवन पोर्टल पे सेट हुए थे और मैंने उस टाइम पे करना था तो जो क्रिस्टल्स यूज करने थे जहां मैंने अपनी विशेष डाल के लिखनी थी जैसे जियोड्स को हम यूज करते हैं रॉ एनर्जी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है आप उसके साथ मेडिटेट करके अपना जब कुछ लिखते हो तो वो आप अपने आप बहुत बड़े तरह से मैनिफेस्ट चीजें होती हैं फिर उसके बाद मैंने उस डायरी को बंद करके रख दिया फिर मैंने रोज नहीं देखा अब मेरा क्या हुआ अब क्या हुआ डन अब जब जब फुल मून आता है तो फुल मून में मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मैंने बहुत कुछ जब मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं सबसे पहले तो सेलिब्रेट करती हूँ हर फुल मून से पहले मुझे लगता है मुझे सेलिब्रेट करना है फिर अपने आप को पेम्पर करती हूँ अच्छी जगह जाऊंगी स्पा लेकर आऊंगी अपने आप से और ज्यादा बातें करूंगी और ज्यादा पेम्पर करूंगी और बहुत ब्यूटिफुल जर्नलिंग करूंगी फुल मून के टाइम में इस तरह से करती हूँ देन आई स्टार्ट लेटिंग हो एक बैग भर के सबसे ज्यादा कपड़े निकलते हैं बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स सो मुझे लगता है कि तीन चार बार पहन लिए दो बार पहन लिए पहन लिए या जैसे कॉन कहती है ना कि आप देखो कौन सा आपको एक कपड़ा जो हैप्पीनेस नहीं दे रहा तो so, जब मैं सोचती हूँ इसको देख के मेरा मन नहीं कर रहा चल ठीक है ये दे दे इसने अपना काम कर दिया फिर मैं कहती हूँ थैंक यू और मैं वो सामान निकाल के एक बैग भर के रखती हूँ और फुल मोन पे कहती हूँ ये जिसके काम आता है जो उस पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड पर्सन होता है उनको दे देती हूँ

मेरे अंदर से वो सारा निकल गया गुबार लिख लिया मैंने लिखने के बाद मैं पढ़ती हूँ और जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं उसको ऐसे पढ़ रही हूँ कि जैसे अब वो पर्सन पढ़ रहा है और उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे शायद उसकी तरफ से एक या दो आंसर आने शुरू हो जाते हैं जो मेरा लॉजिकल माइंड मुझे देने लगता है उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ये ये था उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ये ये था वो जब लॉजिकल माइंड वाले आंसर में पढ़ लेती हूँ फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है क्या पांच साल बाद ये मैटर करेगा नहीं आज के बाद करेगा नहीं तुम चाहते हो नहीं करना नहीं फिर मैं उस लेटर को फोल्ड करती हूँ हाथ में रखती हूँ और मैं हो पोनो पोनो प्रेयर करती हूँ आई एम सॉरी प्लीज टू गिव मी थैंक यू आई लव यू सॉरी इसलिए कि मैं रिलीफ होना चाहती हूँ इस पेन से थैंक यू इसलिए कि ये मोमेंट आया और ये मुझे सम, एक लेसन दे गया जिससे मैं और इवॉल्व हो गई एंड आई लव यू आई लव यू टू माई ओन सेल्फ आई से कि आई लव यू फॉर स्टैंडिंग रॉक सॉलिड फॉर मी उसके बाद वो जो लेटर लिखा होता है उसको बर्न करती हूँ फ्लश करती हूँ फुल मून की रिचुअल बता रही हूँ कॉमन जनरल फ्लश करने के बाद एक बात लेती हूँ सीसॉल डालती हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव एनर्जी हो गई एंड लास्ट में मैं आराम से रामा दासा चलाती हूँ और मून के लाइट के अंदर नीचे बैठती हूँ और शांति से उसको सुनती हूँ एक आधा आंसू भी आता है एक आधा प्यार भी आता है फिर चंद्रमा को देखती हूँ मुझे चंद्रमा में मेरे फादर दिखते हैं पता नहीं क्यों बट मैं उनको देखती हूँ मेरी ग्रैंड मदर मेरी ग्रैंड फादर ऐसे मुझे लगता है देख रहे हैं एंड देन आई जस्ट गिव दिन से थैंक यू तो दिस इज दिफरेंस बिटवीन अचुअल एंडुलम आर वेरी एम्पावरिंग वेरी वेरी अमेजिंग एंड दे चेंज्ड मी एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू चेंज विद यूजिंग दैम दिस इज वेरी सिंपल बट बट इट रिजल्ट जो कहते हैं ना उसके इतने अमेजिंग है मैजिकली ये भी पूछना था क्योंकि हमने बहुत सारा चंद्रमा का टॉपिक छेड़ा है आज सो आई वॉन्ट टू नो चांदी के प्याले से पानी पीना या चांदी पहनना खास तौर से हाथ में पैरों में लाइक like पैरों में कौन पहन सकता है हाथ में कौन पहन सकता है पानी चांदी के ग्लास में कौन पी सकता है हॉरोस्कोप चेक करने की जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों के बारे में प्लीज हमें बताइए जनरली अगर आप देखोगे तो हमारी संस्कृति ऐसी थी कि जब बारिश का टाइम आता था तो हम कॉपर के ग्लास में पानी पीते हैं राइट गर्मियों में चांदी दिमाग को ठंडा रखती है यही कहते थे बड़े चांदी के ग्लास में दूध पीते हैं चांदी के उसमें और मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को चांदी के ग्लास में ही दूध पीते देखा है मैं चांदी के ग्लास में पानी पीती हूँ थर्टी डेज तक नहीं पीती हूँ मैं स्पेशली उस टाइम जब फुल मून है न्यू मून का टाइम होता है मून एनर्जी स्ट्रांग होती है उस टाइम में मैं अपने आप को और काम रखने के लिए ताकि वो अंदर से बुलबुलें नहीं उठें कम उठे तो मैं चांदी का ग्लास ज्यादा यूज करती हूँ प्लस चांदी के एज इट इज मेडिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं बहुत ही ज्यादा है तो मेडिकली अगर आप देखा जाए तो सिल्वर बहुत एक पोटेंट मेटल है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अंदर से बॉडी में हील करती है तो इसीलिए सिल्वर यूज किया जाता है और पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था अब तो स्टेटस सिंबल है बट uh, बहुत साल पहले जब मैंने वो सेल्फ लव वाला जर्नी स्टार्ट की तो यही सिल्वर से ही मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैंने सबसे पहले तो ये किया कि जो क्रॉकरी रखी हुई थी ना कि कभी कोई आएगा उसके लिए रखी है मैंने वो सारी बाहर निकाली चांदी के लॉकर से जाके पांच छह गिलास ले आई सब लोग इसी में पानी पियेंगे चांदी का जग ले आई मेरे सुराही है चांदी की वो लेकर आई कि अब चांदी के गिलास में पानी पीना है सबको पीना है वो कब मेहमान आएंगे कब वो क्रॉकरी में खाएंगे या कब वो चांदी की थाली में खाना खाएंगे इससे बेटर है हम खुद तो खाएं और वो एज इट इज जैसे देखा मेरी माँ का लॉकर में पड़ा था ऐसे ही हमारे लॉकर्स में ऐसे ही तो इट्स बेटर तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी अगर आपके पास है ना अगर ग्लास है कटोरी है कुछ भी है तो उस कटोरी के अंदर आप खीर खा सकते हो आप ग्लास है तो उसमें दूध पी सकते हो पानी पी सकते हो एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल और आप ना माइंड सेट चेंज होते हुए आप देखोगे तो मस्ट डू दैट लेडीज अगर चांदी की बिछुए पहनती हैं या पायल पहनती हैं तो जो हमारी अम्म uh, वेन्स की प्रॉब्लम आती है वो वेन्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपके बहुत सारे प्रेशर पॉइंट दबते रहेंगे उससे और आपको राधर खुद एनर्जेटिक लगेगा जब आप उनको पहनेंगे तो तो मैं, मैं एक बात जानती हूँ कि जो हमारी संस्कृति है ना हमारी भारतीय संस्कृति इतनी इतनी समृद्ध है इतनी ज्यादा कि जो चीजें हमें दादा दादी नाना नानी या बड़ों से मिली है ना विरासत में हम क्वेश्चन जैसे मैं तो बहुत साइंस स्टूडेंट होने के नाते हर चीज के पीछे वाई लगाती थी ये क्यूं, ये क्यूं, ये क्यों 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 बट उस जब वाई का आपको आंसर समझ में आने लगता है तो आपको लगता है कि वाकई में मतलब देर वॉज अ रीजन वाई दे वर डूइंग ऑल दिस एंड वी शुड बी एक्चुअली डूइंग इट ये अंधविश्वास नहीं है देर इज एल एवरी टाइम अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड वेरी नाइस टू हर ऑल ऑफ दिस आपके मीडियम uh, से मैंने बहुत कुछ आज सीखा है अगर ऑडियंस के मन में कोई भी क्वेश्चन थे यू you नो know, अपने प्लान uh, को लेकर चंद्रमा को लेकर यू नो मून रिचुअल्स को लेकर आई होप देव फाउंड देर आंसर्स टूडे थ्रू डॉक्टर नीति कौशिक थैंक यू सो मच नीति जी फॉर ग्रेसिंग माई चैनल बहुत बहुत शुक्रिया आपका thank you. thank you. god bless you. thank you. on that note, uh, you can follow niti kaushik uh, on her instagram handles, her youtube channel, and follow uh, my youtube channel and subscribe it if you haven't. and uh, english or hindi, mein a podcast hotehe channel pe Bohatsari astrologers kame interview leti hu. and uh, you can watch it and share it with your friends and family. lots of love.